हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज मैं करने वाली हूं रिव्यू किसका। पता है ना आपको, थंबनेल में हमने मेंशन कर दिया है, हम जो है क्लिकबेट नहीं करते, डायरेक्टली बता देते हैं। सो इसका मैं रिव्यू करने वाली हूं एंड इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो लॉरियल वालों ने ये ओनली रिव्यू के लिए भेजा है। सो मेरे को भी फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि हमेशा मैं रॉन्ग कलर चूज़ करती थी। एंड जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आप सारे 10 शेड तो एक बार ही ऑर्डर नहीं करते हो, एक ही शेड ऑर्डर करते हो और वो लगाने के बाद गलत हो जाए तो फिर रिप्लेसमेंट हो नहीं हो। एंड कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, थोड़ी रिप्लेसमेंट वाली दिक्कत होती है बिकॉज वंस यू बाय उसके रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं मैक्सिमम। सो अगर मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखा दूंगी तो मुझे अपना शेड भी जो करेक्ट है वो भी पता लग जाएगा एंड आप लोगों को भी, अगर आप मेरे कलर टोन में आते तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा यूज़ करना है। अदरवाइज मैं सारे शेड्स एंड नंबर आपको यहाँ पे ऐसे स्वैचेस दिखाऊंगी एंड मेरा जो मैच होगा उसको मैं ब्लेंड करके ज़रा सा मेकअप करूंगी। एंड अभी मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया है, ओनली जो है मॉइस्चराइजर लगाया है एंड क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा लिपस्टिक और कुछ भी नहीं। एंड मेकअप होगा अभी इसी वक्त, ठीक है चलो। सो ये इसकी पैकेजिंग इतनी मस्त है यार, इतना हाई एंड प्रोडक्ट है। लॉरियल के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये डब्बा इतना मुझे पसंद आया ना, क्या बताऊँ मैं। एंड इसके पीछे लिखा है लॉरियल पेरिस एंड दिस इज़ लॉरियल पेरिस इनफ्लेमेबल 24 आवर्स फाउंडेशन। तो मतलब कि ये जो फाउंडेशन है आपको 24 घंटे आपके ऊपर टिका रहेगा। खोलते हैं इसका ढक्कन एंड ढक्कन खोलने के बाद ये देखो इसके अंदर है 8 शेड्स, यानी कि फाउंडेशन में जिसका भी जो भी कलर है इन 8 शेड में कवर हो जाता है, कोई 9वें शेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो मैं अब आपको दिखा देती हूँ एंड सील भी मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। ऊपर का कवर तो निकाल रहा लेकिन अंदर एक भी मैंने यूज़ करके अभी तक देखा नहीं है, तो सब पे जो है एकदम सील लगी हुई है। सो लेट मी स्टार्ट। जो है 24 आवर्स मैट दिया है तो आपके फेस पे लगाने के बाद मैट फिनिश आएगा, मतलब 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 101 से लेके 108 तक इसके शेड्स है। एंड अब आप याद रख लेना कि मेरे पे कौन सा सूट हो रहा है, तो आपको अपने अगर मेरे जैसा कलर है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ 101 की सील भी अभी निकाल रही हूँ मैं एंड ऑलरेडी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर जो है इसको पानी में मैंने डिप करके रखा था, अभी स्क्वीज करके लाई हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। ऑफकोर्स मुझे पता है ये 101 तो बिल्कुल अपने कलर टोन का नहीं है बट स्टिल। तो इसके अंदर देखिए इसकी पैकेजिंग, ये 101 का जो है थोड़ा पतला है, बाकी थोड़े चौड़े चौड़े हैं। ये 101 एक लौता है जो पतला है एंड ऊपर ऐसे ट्यूब दे रखी है तो कहाँ से मैच होना है भैया, ये तो अपने साथ मैच बिल्कुल नहीं होना है ना। बताना कि मैंने अपने लिए जो शेड सेलेक्ट किया है वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि जो मेरे शेड से मैच करेगा उसको मैं पूरे अपने उस पर लगाऊंगी। दिस इज़ 102 एंड ये देखिए इसका ये चौड़ा है, ये भी मैच नहीं होना है वैसे बट पहले वाले से थोड़ा सा डार्क है। दिस इज 103, तो जैसे जैसे आगे नंबर्स में जा रहे हैं वो जो कलर टोन है उसका धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। ये देखो 104, 105, 106, 107 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है 108। अब बताओ कि कौन सा मैच कर रहा है। तो आपका जो स्किन टोन है उसके हिसाब से जो मैच होगा वही आपको जो है इस तरह से ही सेलेक्ट करना है, जो आपके स्किन से एकदम मैच हो जाए वही आपको सेलेक्ट करना है। दाढ़ी बन गई है अपनी, आई थिंक मुझे 106 यूज़ करना चाहिए, मैच हो रहा है ऐसा लग रहा है अपने को, देखते हैं थोड़ा सा ऐसा करके इसको भी करते हैं थोड़ा सा इधर इधर ब्लेंड, इसको भी करते हैं। मुझे लग रहा है 106 अच्छा जा रहा है, ये डार्क हो रहे हैं थोड़ा है ना। सो 106 को मैं पूरे उस पर लगा लेती हूँ। या 106 देखो ऐसे भी थोड़ा सा लग रहा है लेकिन दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू सेलेक्ट योर फाउंडेशन। सो मैं क्या करती हूँ अभी
थोड़ा सा यहाँ पे ले लेती हूँ। एंड अभी बनता है कि भैया हम बांध लें, ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था। अभी मैं इसको तो लगे रहने देती हूँ, बट स्टिल इसको ऐसे लगा लेती हूँ, डट 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 डट। सो जरूरत है तो अपन और भी ले सकते हैं, अभी ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखो मैच हो रहा है। एंड गर्दन पे अच्छी तरह मैच करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो धड़ है ऐसा लगेगा किसी ने अलग से फिट करके रखा है। तो अभी पैच ही लग रहा है थोड़ा सा, तो ब्लेंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप अपना हाथ भी देख सकते हैं, हाथ एकदम ऐसा नहीं हो कि अलग कलर में हो और आपका फेस अलग कलर में हो, दोनों मैच कर जाने चाहिए। सो ऑलमोस्ट सेम कलर में ही है। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया था वो है, एंड काफ़ी अच्छी फिनिश आई है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। अभी मैं कर रही हूँ, मेरे को कहीं जाना नहीं है इसलिए मैंने डबल लेयर नहीं लगाई है, वरना आप इसी को यूज़ करके जो है एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कवरेज भी काफ़ी अच्छा दिया है, एंड आपको कहीं पे भी डार्क लगता है तो आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ज़रा सा इधर ले कर थोड़ा सा एक ड्रॉप अपनी दाढ़ी में लगा रही हूँ, क्योंकि ये एरिया मेरा थोड़ा सा कंपैरेटिवली डार्क रहता है। वैसे तो कवरेज अच्छी मिल गई है, कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं लग रहा है, बट स्टिल। सो मैं मेकअप में एकदम गुरु नहीं हूँ भैया, आई एम ऑल्सो लाइक यू पीपल। तो जो मैं देख के सीखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आप भी मेरी तरह सीखो। परफेक्शनिस्ट से सीखोगे ना तो गलतियाँ ही गलतियाँ होगी। एंड मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया और मुझे ज़रूरत भी नहीं लग रही है कि मैं कोई बनाना पाउडर या लूज पाउडर या कोई भी कॉम्पैक्ट लगाऊँ, बिकॉज ऐसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। देखो एकदम बढ़िया फिनिश आई है। सी लिपस्टिक आप रीअप्लाई कर सकते हो, बिकॉज थोड़ी थोड़ी जो है चारों तरफ फाउंडेशन लग जाती है। सो मैंने जो है थोड़ा बचा के किया है, इसलिए आई एम जस्ट लविंग इट। वैसे मैंने नहीं लगाया, एक बार मैं सोच रही हूँ कि लगा के भी मैं देखूँ कि कैसा लगता है लूज पाउडर लगाने के बाद। सो मैं बनाना पाउडर लगा रही हूँ। सो लिपस्टिक मैं एक बार लगा रही हूँ। वाह, सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप बता देना कि कैसा लग रहा है। कोई भूल चुको तो क्षमा याद ना। बाल जो ये देखो, ये ऐसे मैसी सा बन हुआ है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई एम जस्ट लविंग इट। सो आई गिव अ बिग थम्स अप टू दिस लॉरियल पैरिस इनफ्लेमेबल 24 आवर्स फाउंडेशन। सो सारे शेड्स आप देख चुके हैं, एंड कवरेज भी कितना अच्छा दे रहा है। एंड जो भी कोई भी मतलब मेरे जो छोटे मोटे स्पॉट्स थे वो भी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, एंड बहुत ही नेचुरल लग रहा है मेकअप। जनरली मैं फाउंडेशन इसलिए नहीं लगाती, बहुत कम लगाती हूँ, वेरी रेयर ओकेजन में, क्योंकि फाउंडेशन जो है लगने के बाद लगता है कि आपने बहुत कुछ लीफ अप होता हुआ है, बट इससे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, एकदम नेचुरल फिनिश लग रहा है यार, एकदम वाह। सो अगर आपको भी ये ऑल शेड्स परचेज करने हैं तो आप कर सकते हो। मैंने वैसे भी आपको सारे स्वैचेस करके दिखा दिए हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि आपका शेड कौन सा है। मेरे शेड वालों को तो पता लग गया होगा कि अपना कौन सा है। एंड दिस लुक इज लुकिंग ऑसम। दिन में क्या होता तो कितना अच्छा होता। मैंने एक्चुअली ये रात को कर रही हूँ मैं, तो सोते टाइम उतारना पड़ेगा। आई एम फीलिंग सो बैड दैट आई हैव टू रिमूव इट, बट आई डोंट वॉन्ट टू।
एंड हाय मैंने ऐसी हाथ लगाया, इतना स्मूथ लग रहा है, ओए होए 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 होए, बड़ा ही स्मूथ लग रहा है। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, और अगर आपको पसंद आया हो मेरा रिव्यू एंड मेरा लुक एंड ये लॉरियल पेरिस का 24 आवर्स इनफ्लेमेबल फाउंडेशन, तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिएगा, चाहिए तो परचेज कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि आप फाउंडेशन सेलेक्ट कैसे कर सकते हो, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।